बिल्किस बानो केस कई दिनों से देश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसे लेकर बड़े से बड़े नेताओं ने आरोपियों की रिहाई को लेकर गुजरात सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और सरकार के दोषियों को छोड़ने के फैसले को कोर्ट में लाकर खड़ा करने की मांग लगातार की जा रही है। वहीं अब इस मामले में एक और नया मोड़ आ गया है और SC ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है और इस मामले पर 2 हफ्ते के बाद सुनवाई करने की भी बात कही है। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली समेत 4 लोगों ने मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को भी रद्द करने की मांग की है। वहीं मामले के एक दोषी राधेश्याम के वकील ऋषि मल्होत्रा ने याचिका का विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ताओं का मामले से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता जिन लोगों को वापस जेल भेजना चाहते हैं उन्हें पक्ष तक नहीं बनाया है। इस पर कोर्ट ने सभी दोषियों को भी मामले में पार्टी बनाने का निर्देश दिया है। वहीं आपको बताते चले कि बिल्किस बानो मामला 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा हुआ है, जहां उस दौरान रणधिकपुर गांव की बिल्किस अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ भागकर पास के एक गांव थापरवाड़ के खेतों में छिप गई थी और जहां 20 से भी अधिक दंगाइयों ने उन पर हमला बोल दिया था। 5 महीने की गर्भवती बिल्किस के साथ वहां बलात्कार किया गया था, जबकि बिल्किस की 3 साल की बेटी समेत 7 लोगों की वहां हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद 11 जनवरी 2008 को मुंबई की विशेष CBI कोर्ट ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा दी और 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा था, जिसके बाद 2022 में गुजरात सरकार ने इन सभी आरोपियों को रिहा कर दिया, जिसको लेकर पूरे देश में संग्राम छिड़ गया और गुजरात समेत बाकी सभी राज्यों में गुजरात सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की गई, जिसे लेकर ओबीसी साहब का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गैंगरेप में उम्र कैद की सजा काट रही आरोपियों की रिहाई से मुस्लिम समुदाय में बहुत गलत संदेश गया है। राज्य में चुनाव से पहले भाजपा ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसा किया है। भारत सरकार के सर्कुलर के अनुसार जो आरोपी दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद है उन्हें 15 अगस्त के दिन रिहा ना किया जाए, मगर गुजरात की BJP सरकार चुनाव के पहले कैदियों के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। इस खबर में सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहे MIM न्यूज़ एक्सप्रेस।